हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ हाटकोटी मंदिर में, शिमला से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पे, और लगभग जो हमारा स्टेशन है जुब्बल, वहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर के आसपास ये है पड़ता है। बिल्कुल रोड हेड के आसपास ही आपको ये मंदिर मिल जाएगा। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मेन मंदिर है। अभी मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि इस लीजेंडरी मंदिर में क्या क्या है देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। और मेरी भी इच्छा बहुत सालों से थी कि मैं यहाँ पे आऊँ। 2009 में मैं इस तरफ गया था रोडू में, तो रोड से मैंने इस मंदिर को देखा था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। तो आज लगभग 12 सालों के बाद ये मौका मुझे बना है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ इस मंदिर के लिए। तो आपको दिखाऊंगा कि ये मंदिर देखने में कैसा है। अभी मेन एंट्रेंस से लेके अंदर जो जो छोटे सब पार्ट्स में और छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, वो सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। दिस इज़ द एंट्रांस ऑफ टेम्पल, मतलब देखो शेर ऐसे, फिर ये खुला कैंपस, ये वाला मेन टेम्पल है, ये वाला पोर्शन अभी बंद है। पुजारी साहब आएंगे थोड़ी देर में, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। ये यहाँ पे वो चिरोटी रखी हुई है, जो कहते हैं कि इसमें जो चैन बंधी हुई है, एक साइड से बंधी है और दूसरी माता के पाँव के साथ बंधी है, इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जैसे नदी का पानी बढ़ता है तो ये बहने लगता है, ऐसा कहा जाता है। एक और था यहाँ पे इसके राइट साइड में, नज़दीक से दिखाऊंगा आपको बाद में, तो वो बह चुका है। बाकी ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, शिवजी का भी होगा, शिवजी का है, गणपति भगवान का भी है, वैसे वैसे है। ये यहाँ पे सत्संग भवन है एक यहाँ पे, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे जो छोटे छोटे मंदिर हैं, इसके रिगार्डिंग एक और स्टोरी उभर कर आती है। कहा जाता है कि जैसे पांडव यहाँ पे आए थे अज्ञातवास के टाइम, तो उन लोगों ने, ये पांच हैं तो ये एस्टेब्लिश हुए थे। अंदर से तो ये खाली है, तो और ऊपर देखिए पत्थर के साथ बने हैं, और इसमें डिज़ाइन बना हुआ है, शक्ल बनी हुई है भगवान की, जो बनाने की कोशिश की गई है। तो कहा जाता है अज्ञातवास के टाइम पे ये सब कुछ हुआ है। बाकी मंदिर अच्छा है, जो मेन थिंग है मंदिर की वो यही है कि जो माता हाटकोटी जी हैं, उन्होंने महिषासुर को जब ख़त्म किया तो उसके बाद से ये एस्टेब्लिश हुआ यहाँ पे। लगभग 700 से 800 साल की पुराना इस मंदिर को माना जाता है। और ये इसके साथ यहाँ पे सराय भी है लोगों के रहने के लिए, तो बोल सकते हैं अलग हिस्सों में बना हुआ है। जब ये मंदिर बना था तो शिखर शैली में था, लेकिन बाद में इसे कन्वर्ट करके जो यहाँ का एक श्रद्धालु पर्सन था, पहाड़ी बंदा, उसने इसे चेंज किया, एक अलग स्ट्रक्चर के रूप में बनाया। तो ये मंदिर का लगभग पूरा कैंपस मैंने आपको दिखा दिया है रिवॉल्व करते हुए। बाकी जो अभी मंदिर खुल गया तो लोग लाइन में लग गए हैं, देखो काफ़ी लोग हैं। दैट्स द मेन थिंग, और सिक्योरिटी भी है वेपन के साथ। लोग लगे हुए हैं, ये देखिए लगभग जो ऐसा ही दूसरी साइड भी है। अंदर माता के लगभग 2 मीटर के आसपास कहते हैं मूर्ति है, कांसे की बनी हुई। तो अभी हम भी लोग भी लाइन में लगेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा फिर जितना कि ये दिखता है। मेन मंदिर के साथ ये वो चरोटी है जो बंधी हुई है, जो माता के पाँव के साथ अटैच्ड है, एक सिरा इसका और दूसरा सिरा यहाँ पे। कहते हैं कि जब फंक्शन होते थे पुराने टाइम में इस गांव में, जो सराउंडिंग है, तो यहाँ पे खाना डाला जाता था और वो ख़त्म ही नहीं होता था जब तक कंप्लीट नहीं होता था वो खाना, सब लोग नहीं खा लेते थे, तो इसमें डाल के वो रहता था लास्ट तक। तो साथियों, इस प्रकार से आपने देखा ये पूरा हाटकोटी मंदिर का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा, जो इसके बिल्कुल थोड़ा सा टॉप से जहाँ से आप लोगों की मंदिर में मेन एंट्री होगी। बाकी ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा शानदार है,
क्योंकि एक मंदिर के अंदर में ही बहुत ही ज़्यादा और भी कई सारे मंदिर हैं। शिव का मंदिर है, पांडवों के द्वारा बनाए गए वो 5 मंदिर आज की डेट में भी वहाँ पर मौजूद है, जो हमें अभी अभी कैमरा मैन ने दिखाया। उसके अलावा जो मेन मंदिर है माता का, वो यहाँ पे है। इसके साथ जो चरोटी हम अपनी भाषा में कहते हैं, वो जिसने अपने हिसाब से जो एक साथ से शांगल के साथ बन ली, और जो दूसरा एंड है शांगल का, वो माता के पाँव के साथ बन रहा है। क्योंकि कहते हैं कि जब नदी में पानी बढ़ जाता है तो वो बहने लग जाता है इस जगह से, उसको बचाने के लिए वैसे ही टेक्निक का यूज़ किया गया है एक हिसाब से। बाकी उसकी अलग हिसाब से इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पुराने काल में कहा जाता है कि जब यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता था तो जो खाना बनता था, क्योंकि इतने लोगों के पास होता नहीं था, राशन वगैरह रहता नहीं था, तो उसमें वो अपना राशन डालते थे और माता की भक्ति करते थे, तो उस हिसाब से क्या होता था कि चरोटी में वो खाना ख़त्म ही नहीं होता था। सो दैट्स वाई चरोटी की इम्पोर्टेंस, और उसको तभी गेट के साथ वहाँ पर बांध के रखा हुआ है। उसके अलावा सत्संग भवन यहाँ पर है, यहाँ पर बैठने के लिए जो आप देख सकते हैं पुराने चक्का जिसे हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो एस्टेब्लिश किए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के, तो आज आज ही चले हुए हैं। लगभग ये मंदिर 800 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा कहा जा सकता है। सो ऐसी इस मंदिर की इम्पोर्टेंस है, और इसके अलावा और भी कई अनंत कहानियाँ इस मंदिर से रिलेटेड हैं, जो आपकी अपनी अपनी विश्वास करने की शक्ति के साथ आप मान सकते हैं, जो आपको सही लगता है। लेकिन पुजारी साहब के पास थोड़ा इतना समय नहीं था, क्योंकि मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होकर रखी है। सो दैट्स वाई अब हम लोग भी यहाँ से निकलने वाले हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी हम आपके साथ किसी एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और ज़्यादा इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।